वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स होम सेफ सारिका। आज मैं बना रही हूँ दम मकाई मसाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 to 3 स्पून ऑयल डालेंगे, उसमें 2 ऑनियन को फाइन चॉप करके डाल देंगे और ट्रांसपेरेंट होने तक उसको भूनेंगे। फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके हम भून लेंगे। फिर हम इसमें 2 टमाटो फाइन काट के डाल देंगे और ग्रीन चिली 3 to 4 बीच से कट करके डाल देंगे बड़े बड़े भागों में और टमाटो को डाल देंगे। मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टमाटो डालने के बाद हम तुरंत सॉल्ट डालेंगे 1 स्पून, ताकि हमारे टमाटर गल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये भाजी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी रहती है। स्वीट कॉर्न की भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप प्लीज़ बनाइए आप इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। टमाटर गल जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 स्पून रेड चिली कश्मीरी पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून टर्मरिक, 1 स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़रूर डालिए। ये मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना के रखा है, 1/2 स्पून डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें मैंने जो काजू का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दूंगी। 9 से 10 काजू को थोड़ा सा पानी के साथ पीस लेंगे, पेस्ट हमारा बन जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे, ढककर अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भूनते हैं तभी उसका फ्लेवर आता है। देखिए सारे मसाले एक साथ मिक्स हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहा है इसका कलर। अब जो स्वीट कॉर्न है मैंने इसको डाल दिया है, मैंने बॉयल स्वीट कॉर्न नहीं लिया है, सादा स्वीट कॉर्न लेके इसमें डाल दिया है 1 कप, और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी पकता है इसलिए उबालने की ज़रूरत नहीं है इसको। मसाले और स्वीट कॉर्न को साथ में मिक्स करके 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक गाढ़ी ग्रेवी बन जाए बस। बहुत पतला ग्रेवी इसका अच्छा नहीं लगता है। देखिए पानी डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट पकाया। फिर उसके बाद मैंने 2 स्पून क्रीम डाला है, घर का क्रीम है, और हरी धनिया फाइन काट के डाल देंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट वापस पकाएंगे लो फ्लेम पे। देखिए हमारा स्वीट कॉर्न की सब्जी तैयार हो गई है। इसको लो फ्लेम पे ही पकाइए और बहुत अच्छे से पकाइए। जब हमारी भाजी पक जाए तब हम उसमें 1/2 स्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। आप पाव भाजी मसाला डाल के देखिए, इसका फ्लेवर एकदम अच्छा बढ़ जाता है और एक यूनिक टेस्ट मिलता है। हमारा दम स्वीट कॉर्न की भाजी तैयार हो गई है। मैं इसे एक पैन में सर्व कर लूँगी। इससे आप रोटी, चपाती, राइस जिससे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। डेकोरेट करने के लिए ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और एक होटल वाली भाजी देखने में लगे। हमारा दम स्वीट कॉर्न मसाला तैयार हो गया है। थैंक यू।